ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट और एकदम इतना सॉफ्ट वो भी घर में पनीर बनाए, ये देखिए बिल्कुल ही बाजार जैसा है। दोस्तों आज मैंने इस पनीर को बनाने में एक ऐसा ट्रिक का इस्तेमाल किया है जो आप आसानी से अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 लीटर ठंडा दूध ले लिया है, वो भी मलाई के साथ में। अगर आप फ्रेश जो कच्चा दूध होता है अगर उसको आप गर्म कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसको भी बिना मलाई निकाले हुए यूज कर सकते हैं। और अब हम इसके बाद इस दूध को गर्म करने के लिए रखना है। अब हमने दूध को गैस पर रख दिया है और गैस को हमने ऑन कर दिया है और गैस को हाई फ्लेम पर रखना है और दूध को अच्छे से बॉयल होने देना है। अब यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से आप ये देख रहे हैं कि बॉयल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कोई भी नींबू का यूज नहीं, कोई भी नमक का यूज नहीं, कोई भी फिटकरी यूज नहीं। हम यहाँ पर यूज करेंगे केवल आधा चम्मच साटरी। दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पर साटरी जो कि हलवाई लोग इस्तेमाल में लाते हैं जिससे कि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा, आप एक बार जरूर इसको ट्राई करके देखिएगा। तो अब हम इसमें आधी चम्मच ये साटरी का डाल देंगे और इसे हमें इसके जो प्रोसेस है आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हमें ज्यादा चलाना नहीं है, इसको डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल छोड़ देना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि दूध बिल्कुल फटना स्टार्ट हो जाएगा और अगर हम इसको बार बार चलाएंगे तो हमारा जो पनीर है वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएगा। देखिए ये देखिए हमारा पनीर बनना स्टार्ट हो गया है बस। और गैस को हमें अब बिल्कुल स्लो पर ही रखना है और बस इसको हम साइड से थोड़ा सा अलग कर देंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से देखिए हमारा ये जो पनीर है वो बन चुका है। अब हमें अपनी ये जो गैस है उसको बिल्कुल बंद कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। अब हमने अपने बर्तन को गैस से उतार लिया, आप देख रहे हैं बिल्कुल पनीर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें एक कॉटन का जालीदार कपड़ा लेना है। देखिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ये मैंने इस तरीके का लिया है जिसमें से आसानी से पानी इसमें से जा सके। ये देखिए इस तरीके का कपड़ा आपको लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इस तरीके की जाली वाली ये आप बोल सकते हैं कुछ भी बर्तन लिया है और एक सिंपल प्लेन बर्तन लिया है। इसको हमें इसके ऊपर रखना है और अपना ये कपड़ा है इसके ऊपर लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद अपना ये जो पनीर है वो इसके ऊपर डालना है। तो अब हम इसके ऊपर अपना पनीर डालते हैं। ये देखिए ये हमारा सारा पनीर आ चुका है और इस कपड़े को इस तरीके से उठाना है। अभी हमारा पनीर रेडी नहीं हुआ है, इसके आगे का आपको प्रोसेस देखना है कि अब हमें क्या करना है। इसको हमें इस पे से निकाल देना है, जितना भी ये पानी है इसको हमें निकालना है। अभी हमें इस कपड़े को बिल्कुल बंद नहीं करना है, इस बर्तन को अब हम हटा देंगे और जिसमें हमने पनीर बनाया था उस बर्तन में हम वापस इसको रख लेंगे और इसमें हम 1 बड़ा कप हमने ठंडा पानी ले लिया है वो हमें इसके ऊपर डालना है। ठंडे पानी का यूज ये है जो हमारा पनीर है वो बिल्कुल ही बढ़िया सेट हो जाता है और कोई भी बिखरा बिखरा हमारा जो पनीर है वो नहीं बनता है। अब हमें इसका अच्छे से पानी है वो निचोड़ देना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही बढ़िया पनीर बनके रेडी होता है। इस तरीके से आप बस बंद करके इसको गांठ लगा दीजिए इस तरीके से और हमारा ये जो पनीर है इसको इस तरीके से प्रेस करके किसी भी भारी चीज से दबा के रख देना है। यहाँ पर हमने ये जो चकला है वो यूज में लेंगे, हमें इसके ऊपर इसको दबा के इस तरीके से रख देना है और आप 1-2 घंटे में ही देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बढ़िया पनीर है वो सेट होके निकलेगा।
तो चलिए 2 घंटे बाद इसको चेक करते हैं। तो ये हमने इसका ये जो है जो हमारा कॉटन का जो हमने कपड़ा बांधा था उसको हमने खोल देना है और इसको इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल ही बढ़िया और बिल्कुल बाजार की तरह जो सॉफ्ट पनीर होता है बिल्कुल वो निकल के आया है। ये देखिए बिल्कुल ही बिल्कुल सॉफ्ट एकदम रुई की तरह। अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं। तो हमने ये अपना पनीर रख दिया और अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी आपका एकदम बिखरा हुआ पनीर नहीं है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये बिल्कुल ही बढ़िया। अगर आप भी इसी ट्रिक से पनीर बनाएंगे तो आपका जो घर पे बनाया हुआ पनीर है वो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और आप बाजार से पनीर खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।